मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुंदेलखंड में हैं। बुंदेलखंड में हर घर नल का जल परियोजना की शुरुआत जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। जल ही जीवन मिशन के तहत इस योजना की शुरुआत जो है वो की गई है। आपको बता दें, लक्ष्य रखा गया है हर घर नल का जल पहुंचे, और इसे लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब लोगों को संबोधित कर रहे थे तो बताया कि हम सबके लिए सबसे बड़ी चुनौती जो है वो बुंदेलखंड थी, अब बुंदेलखंड को सूखे से निजात मिल जाएगी, इसीलिए हमने लक्ष्य रखा है और एक तरह से मिशन मानकर ये काम कर रहे हैं। जल ही जीवन है, इसका भी जिक्र किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। साथ ही साथ कहा, जल ही जीवन मिशन के तहत ही इस परियोजना की शुरुआत हुई है। फेज वाइज इस परियोजना में जो है वो काम होगा। पहले जो है 3 चरणों में इस परियोजना में काम चलना है। पहले फेज में कुछ एरियाज रखे गए हैं जहाँ हर घर में नल का जल जो है वो पहुँचे, और स्वच्छ जल क्यों ज़रूरी है इसके बारे में भी जिक्र किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तो बुंदेलखंड में तेज़ी से विकास कार्य हो रहे हैं, हमारे लिए एक चुनौती की तरह था क्योंकि सूखे की समस्या से कैसे निपटा जाए इसको लेकर बहुत दिनों से विचार विमर्श चल रहा था, और यही वजह है कि जल ही जीवन को मिशन बनाते हुए हमने इस परियोजना की शुरुआत की है। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर जो है वो काम कर रही है, और बुंदेलखंड में भी विकास के कार्य हुए हैं और तेज़ी से विकास के कार्य बुंदेलखंड में जो है वो होंगे। सूखे के अभिशाप से जल्द ही निजात मिलेगी, क्योंकि फोकस पूरी तरीके से कह सकते हैं कि बुंदेलखंड के ऊपर है कि 3 फेज में काम जो है वो जल्दी जल्दी पूरा कर लिया जाए, पूरे इलाके को कवर किया जाए, स्वच्छ जल हर घर में पहुंचे। और वो कैसे पहुंचेगा जब लक्ष्य यही रहेगा, जल ही जीवन मिशन मानते हुए हर घर में नल का जल जो है वो पहुंचाया जाएगा। अब इस परियोजना की शुरुआत तो हो गई है, देखने वाली बात है कि जो लक्ष्य रखा गया है कि जिस तरीके से हर फेज में काम होना है ग्राउंड लेवल पर एग्जीक्यूशन ठीक उसी तरीके से हो, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों जो है वो विकास कार्यों में लगी हुई है, और बुंदेलखंड में भी विकास कार्य हुए हैं और तेज़ी से विकास कार्य जो हैं आने वाले दिनों में होंगे। सूखे के अभिशाप से जल्द ही हम निजात दिलाएंगे बुंदेलखंड को, क्योंकि बुंदेलखंड हमारे सामने एक चुनौती बना हुआ था। आज़ादी के बाद बुंदेलखंड पर ध्यान जो है वो नहीं दिया गया, बुंदेलखंड की हमेशा से उपेक्षा की गई। हमारे सहयोगी अमित गोयल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, परियोजना की शुरुआत हुई है, 3 फेज में ये जो है पूरा किया जाएगा, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी बातें कह रहे थे, एक तरीके से कह सकते हैं कि खुद भी ध्यान दे रहे हैं और जल्द से जल्द, हालांकि 3 फेज में इस परियोजना को पूरा करना है, लेकिन जल्द से जल्द उसका भी लक्ष्य रखा गया है कि ये पूरा कर लिया जाए और हर घर में नल का जल जो है वो पहुंचे। जी बिल्कुल, जैसे जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज इस योजना का शुभारंभ किया है, तो कहीं ना कहीं बुंदेलखंड के जो लोग हैं उनके लिए बड़ी राहत वाली बात है, और इस बात को भी लक्ष्य में रखा गया है कि कहीं ना कहीं 2 साल के अंदर इसको ये जो परियोजना को पूरा कर लिया जाए, जिससे जो हर घर में ये जो जल योजना है नल के माध्यम से पहुंच सके। और कहीं ना कहीं उन्होंने अपने जो संबोधन था उसमें पिछली पार्टियों को भी हाथों लिया कि जिस तरह से बुंदेलखंड में अवैध खनन हुआ है, शायद उसी की वजह से जो आज पानी की किल्लत झेलने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जी ने जो इस मामले को जो लिया है और जिस तरह से योजना का शुभारंभ किया है, तो आने वाले समय में लोगों को जो बुंदेलखंड के जो लोग हैं उनको एक बड़ी राहत मिलेगी। जी अमित, आप इलाके को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, जरा बताइए कि ये जो परियोजना की शुरुआत हुई है किस तरीके से इलाके के लोग लेंगे। सूखे की समस्या हम सब जान रहे हैं कि कितनी भयंकर रही है, अब सरकार जो है जल ही जीवन मिशन मान के चल रही है, तो कितनी खास हो जाती है ये परियोजना, लोगों की क्या सोच इस परियोजना को लेकर। जी मैं आपको बताऊं, जैसे ही झांसी में जब इस परियोजना के बारे में जानकारी हुई तो जो लोग थे वो काफी खुश थे, और इस परियोजना की जो सबसे अहम बात ये है कि किसी न किसी हर सरकार ने इस जल संस्था पे काम जरूर किया, लेकिन
जो घर घर तक पानी पहुंचाने की जो परियोजना थी वो शायद उत्तर प्रदेश में नहीं शायद देश में पहली बार हुई है। और जो लोग हैं स्थानीय लोग वो काफी खुश हैं, क्योंकि अगर पानी की व्यवस्था कर भी दी जाए तो जो लोग हैं ग्रामीण इलाके में जो लोगों की बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं जैसे हैंडपंप रख जाते हैं तो वहां से भी उनका जो फासला है घर का काफी दूर होता है। ऐसे में जो परियोजना है जो घर घर तक नलों के माध्यम से जो पानी पहुंचेगा तो ये एक काफी महत्वपूर्ण परियोजना है। और आने वाले समय में बुंदेलखंड में जो खासतौर से जो प्यासा बुंदेलखंड रहा है और जो बदहाल बुंदेलखंड रहा है जहाँ किसानों की बात की जाए या जो स्थानीय लोग हैं उनकी बात की जाए तो कहीं ना कहीं पानी का जो संकट है वो काफी बढ़ा रहा है। और जिस तरह से ये परियोजना चालू की जा रही है वो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में बुंदेलखंड के जो लोग हैं चाहे वो किसान हो चाहे जो स्थानीय लोग हों उनको एक बड़ी राहत देंगे। जी अमित, जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि इस समस्या की तरफ ध्यान नहीं दिया गया, पहले की सरकारों ने काम नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये भी माना कि सूखे की समस्या से निजात दिलाना ये एक बड़ी चुनौती है बुंदेलखंड के लिए। तो यहाँ समझना चाहूंगी कि कितनी बड़ी चुनौती और कैसे सरकार स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही है। जी देखिए बिल्कुल, ये इस मामले में जो है योगी आदित्यनाथ जी साहब बिल्कुल साफ कर चुके हैं कि जो परियोजनाओं को चलाने के साथ साथ उस पर मॉनिटरिंग रखना भी एक बहुत अहम काम होगा। और उनकी कोशिश इसी बात को लेकर है कि दो साल का जो लक्ष्य रखा गया है वो परियोजना दो साल में पूरी तरह से संपूर्ण कर ली जाए। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक कदम और भी है कि अक्सर जो देखा जाता है कि जो परियोजना चलती है तो उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार आधे हाथों आ जाता है। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया है कि जो है इस मामले में बिल्कुल भी जो है कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी और इस परियोजना को अपना जो तय लक्ष्य है उसमें पूरा किया जाएगा ताकि जो बुंदेलखंड में जो पेयजल की जो समस्या है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए और यहाँ के जो लोग हैं उनको राहत मिल सके। और उन्होंने पिछली सरकारों के भी प्रतिनिधित्व करते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि योजनाएं उन्होंने चालू की लेकिन अंजाम तक नहीं पहुंच पाई, उसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक रीजन और जो कहीं ना कहीं जो उनकी मंशा स्पष्ट नहीं थी था जिसकी वजह से जो पिछली सरकारें थी वो ग्रामीणों के लिए जो शहर की जो लोग थे उनको पेयजल से छुटकारा नहीं दिला पाई। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया कि हम दो साल के अंदर इस पूरी परियोजना को संपूर्ण करेंगे और जो घर घर तक पानी पहुंचाने की जो बात है वो हम पूरा करके दिखाएंगे। जी चलिए अमित, इससे अच्छी बात क्या होगी कि अगर बिना भ्रष्टाचार के आरोप लगे परियोजना दो साल के अंदर खत्म हो जाती है तो इसे एक सरकार के लिए उपलब्धि ही मानेंगे, क्योंकि सूखे की समस्या कितनी बड़ी है ये तो वहां के लोग ही जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।